आज आप टूटा हुआ दिल लेके आए हो सकता है आपके दिल को किसी ने तोड़ दिया हो सकता है आप अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहे हो सकता है आपका दिल दुखों से भरा हुआ हो सकता है परेशानियों से भरा हुआ हो। आज यीशु कहता है मैं तेरे दिल को बदलने जा रहा हूँ और आज प्रभु से कहिए प्रभु मेरे जीवन की हालत ऐसी है, ऐसी मेरे जीवन की हालत है प्रभु जी, मुझे रोना आता है। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, धोखा है हर कहीं। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, धोखा ही धोखा है हर कहीं। वो करें अब मेरा दिल की इस हालत पे रो करूं।
दिल परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो आज अपने दिल में परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं, जो आज चाहते हैं प्रभु मैं तुझे अपने दिल में बुलाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपने दिल में बसाना चाहती हूँ प्रभु, आज तू मेरे जीवन में आ, मेरे दिल की हालत को बदल दे प्रभु, मेरे जीवन की हालत को बदल दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज अपने हाथों को उठा के, सिर्फ वही लोग अपने हाथों को उठाएं जो आज सच में यीशु को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं, और आज प्रभु से कहिए, मेरे पीछे बोलना शुरू कीजिए, हे प्रभु यीशु, आज मैं अपना दिल आपको देता हूं, प्रभु आज तू मेरे दिल में आ और अपना सिंहासन लगा, प्रभु मेरा दिल तेरा मंदिर बन जाए, आज मैं अपने दिल को पापों से, बुराइयों से, संसार की बातों से दूर करके आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपके हाथ में, आपके हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ और मुझे अनंत काल का, शांति का, आनंद का, तेरी महिमा से भरा हुआ जीवन दे, और आज मैं तुझे अपने जीवन में, अपने दिल में अपना राजा, अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना स्वामी, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अपने दिल में यीशु को लेके जाइए, अपने दिल में परमेश्वर को लेके जाइए और अपने दिल परमेश्वर को दीजिए। अगर दुनिया को दोगे तो ठोकरें खाओगे, धोखा खाओगे, जब अपना दिल परमेश्वर को दोगे तो शांति, आशीष और चंगाई और बरकत लेके जाओगे। सब आगे आ जाए, मैं आपका स्वागत करेंगे और विशेषकर धन्यवाद करते हैं। क्या आप चाहते हैं? आप जब भी आप हमें मौका देंगे हम जरूर आएंगे और आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल प्रार्थना की जाए, मैं आप सबके घर में नहीं आ सकता, लेकिन ये कार्ड अभी आपको मिल जाएगा, यहाँ से एक भाई है इसके पास ये कार्ड है, और ये कार्ड है, और यदि आपकी कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी बात है, आप चाहते हैं कि आपके लिए हर रोज प्रार्थना की जाए, ये कार्ड ये हमेशा मेरे पास रहता है, मेरे घर में रहता है, और जब भी हम दुआ में बैठते हैं इस कार्ड के ऊपर आपने क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना, फोन नंबर लिखना है, और इस कार्ड के पीछे, यहाँ से मुड़ जाएगा, इस कार्ड के पीछे पीछे आपने अपनी समस्या लिखनी है, अपनी प्रॉब्लम लिखनी है कि आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब हम इस ये कार्ड हमारे पास आ जाता है और इसको यहाँ से फाड़ के, जहाँ से कट लगा हुआ है, आपने इसको अपने पास रख लेना, इस पे मेरा फोन नंबर है, पर्सनल फोन नंबर है, जो हमेशा मेरे पास रहता है, मेरी जेब में रहता है, और कभी भी दिन रात 24 घंटे मेरा फोन खुला रहता है, सिवाय तब जब मैं प्रार्थना में होता हूँ, उसके बिना हमेशा मेरा फोन खुला रहता है। आप कभी भी कहीं भी मुझे फोन करके मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं, 24 घंटे मेरा फोन आपके लिए खुला रहता है, मैं 24 घंटे, मैं रात में मुश्किल से 1-2 घंटा सोता हूँ, कभी कभी तो वो भी मुझे सोने के लिए नहीं मिलता। आप जब भी मुझे फोन करेंगे मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और ये फाड़ के आपने अपने पास रख लेना है, इसके पीछे आपने अपनी समस्या लिखनी है कि किस बात के लिए प्रार्थना की जाए, और इसके आगे आपने अपना नाम, अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखना है। वो फोन नंबर इसलिए मांग रहे हैं ताकि जब भी हमारी आगे सभाएं होती हैं, आगे जो मीटिंग होती है आपके पास आस पास में है, तो आपके पास एक मैसेज आएगा, आपके फोन में एक मैसेज आएगा, और उस तारीख को अब हम समय बता देंगे आपको, उस मैसेज में हम आपको बता देंगे कि आपके आपके नजदीक में यहाँ पे सत्संग हो रहा है। और दूसरी बात, जब आप इस कार्ड को भर के हमें देते हैं, ये भाई पास्टर रविंद्र है, आप इनके हाथ में कीजिए, जब आप इनको देते हैं तो हर रोज बाइबल से एक आयत, हम बहुत जल्दी मीडिया को शुरू करना जा रहे हैं, और बाइबल से एक आयत हर रोज सुबह सुबह आपके फोन पे आएगी। सुबह सुबह जब आप अपना फोन उठाएंगे आप देखेंगे एक मैसेज आया, और उसमें क्या लिखा है, उसमें परमेश्वर का वचन लिखा है। आपको हर रोज परमेश्वर का वचन मिलेगा, आपके मोबाइल पे हर रोज परमेश्वर का एक वचन आएगा, इसलिए जरूर आप इस कार्ड को भर के जाएं ताकि हम लगातार संपर्क में रहें। तो आप इसको भर के और इस कार्ड को फाड़ के अपनी जेब में रखिए, और बड़े वाला वापस हमें दे दीजिए ताकि जब भी हम प्रार्थना करें आपको हमारी प्रार्थनाओं में याद रखें। और दूसरा, मेरे पास कैसेट है,
31 मार्च को कैथल में सत्संग था, उसकी कैसेट है ये। और मैं इस कैसेट को नेपाल तक लेके गया और बहुत से लोगों की ऐसी गवाहियां आई है, मुझे फोन किया लोगों ने कि पास्टर जी इस कैसेट को देखते देखते मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी वो चंगी ठीक हो गया। और कोई एक बहन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में यूपी में जो बिल्कुल नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर पे है, पलिया वहाँ एक जगह है, और उस शहर में एक बहन थी जो पंजाबी थी। और एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ उनके घर में गया हुआ था, मैं ज़्यादा समय उसके साथ बिता नहीं सका, मैं अपनी कैसेट उसको दे के आया और वो बहन अपना हाथ उठा नहीं सकती थी, उसको एक एक्सीडेंट के कारण हाथ चला गया था उसका, मतलब हाथ तो था लेकिन हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने बताया था कि इस हाथ को रख तो सकती है लेकिन कुछ काम नहीं कर सकती। और जब ये कैसेट देख रही थी, कैसेट देखते देखते उसने अपना हाथ उठाना शुरू किया और वो चंगी हो गई। और उसने मुझे फोन किया, फिर उसने उस कैसेट को बताया कि पास्टर जी इस कैसेट को और कॉपियां करवा सकती हूँ। मैंने बताया हाँ बहन करवा सकते हो, और उसने काफी अपने रिश्तेदारों को दी। और एक बुजुर्ग था जिसको शुगर की बीमारी थी और वो देखते देखते शुगर की बीमारी चली गई। मेरे भाई बहनों, ये आशीष का एक श्रोता है, इसलिए मैं बार 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 ये चाहता हूँ कि आप इसे रखिए, अपने घर में रखिए, अपने रिश्तेदारों में पहुंचाइए ताकि लोग इसको देखें और परमेश्वर की आशीषें पाएं। हालेलुया। और दूसरा तेल है, ध्यान रखिए, कुछ लोग समझते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक तेल है, लेकिन कई दिनों तक उपवास में बैठ बैठ के हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। और इसके काम ये हैं, जब आप लगाते हैं, हो सकता है कभी आपका फोन बंद हो या आप किसी अपने प्रभु के दास से जो आपके नज़दीक है आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उसका फोन नहीं मिलता हो, आप अकेले हो, आप अपने घर से उठाइए और तेल लगाइए और प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको छुटकारा देगा। ये अभिषेक किया हुआ प्रार्थना का तेल है और ये भाई रविंदर से आपको मिल जाएगा। आप इससे जरूर लेके जाइए, अपने घर में रखिए। पिछले साल की बात है, एक लड़का अंधा था, बिहार से आया हुआ था वो, और उसकी आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। चर्च में उसको लेके आए, मैंने प्रार्थना करके लगाया और जैसे उसको तेल लगाया उसकी आंखें खुल गई और उसने देखना शुरू किया। और यहाँ तक के जींद डिस्ट्रिक्ट में गांव में एक भैंस को नजर लग गई थी, कई दिनों से वो दूध नहीं दे रही थी। उस भाई ने एक बहन आई थी, उसके बैग में वो तेल चला गया, अपने घर में गई और उसने उस भैंस पे वो तेल लगा दिया और वो दूध देना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। इसमें कुछ भी नहीं है, ये महज एक तेल है, लेकिन काम परमेश्वर ने करना है। हालेलुया। काम करने वाला परमेश्वर है, जिस विश्वास के साथ आप इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर आपके दिल को देखता है, उसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करता है। आप जरूर लेके जाएं। और पास्टर गुरपाल जो हमारे बीच में सुनाम से हैं और प्रभु के दास, बहुत ही अच्छा गीत और भजन गाने का परमेश्वर ने इनको अनुग्रह दिया है, इनको टैलेंट दिया, इनकी गीतों की सीढ़ियाँ और कैसे बाहर उधर हैं, आप उधर से ले सकते हैं। और जब भी आप यहाँ से जाएं, मैं चाहता हूँ आप लेके जाएं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने घरों में सुने, सुबह सुबह लोग पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, आप अपने घर में आत्मिक गीत सुनिए, परमेश्वर की बंदगी कीजिए सुबह उठ के अपने घर में और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। और ये सब अपनी आंखों को बंद करें, मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ इस गाँव के मौजूदा लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ प्लीज इस गाँव का यदि कोई मेंबर साहिबान है तो वो भी प्लीज ऊपर आ जाए, चेयरमैन साहब आप भी आगे आ जाए और हम सब आपके लिए प्रार्थना करें, इस गाँव में बरकत आए और ये गांव परमेश्वर की आशीषों में फलता फूलता रहे। मैं चाहता हूँ प्रभु के दास पास्टर ईश्वर जी और पास्टर ईश्वर पंचाल और पास्टर सुरेश कल्याण जी और पास्टर के दास प्रभु के दास राजेंद्र जी जो लहरागढ़ से आए हैं, पास्टर बिट्टू, पास्टर सुखदेव, सुखदीप कृपा करके ऊपर आए और इस गांव के लिए प्रार्थना करें, इस गांव के लिए प्रार्थना करें। प्लीज इनके चारों तरफ खड़े हो जाइए, गांव के लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जहां भी जाते हो वहां के लोगों को आशीष दो। और जब हम इस गांव में आए हैं, इस गांव ने हमारे लिए रास्ता खोला है, तो आइए हम सब इस गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस गांव के लिए प्रार्थना करें कि इस गांव से हर अंधकार का अधिकार टूट जाए। यस पास्टर गुरपाल जी, प्लीज सबके लिए प्रार्थना करें, मौजूदा लोग जो इस जगह तेरे बच्चे आए ने प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु तेरे सेवक नु बुलाया, तेरे लोगों नु बुलाया और इस बंदगी का संगत का इंतजाम किया, मैं दुआ करदा यीशु का नाम लेके असि
सारे एक मन हो के तेरे सेवक और प्रभु एक कलीसिया मिलके प्रार्थना कर दे यीशु के नाम से। मेरे ने भाइयों नो यीशु के नाम से बरकत चले, आशीष मिले और इस पिंड दे विचों बीमारियां, रोग, कष्ट, गरीबी, तंगी यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से इनके जीवन को आशीष से बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, इनके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। इनकी अधीनता में लोग जब रहते हैं बेटा परमेश्वर, यस प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी जमीन और आसमान के स्वामी, आपके चरणों में इस गांव को लेकर आते हैं प्रभु जी, इस गांव के लोगों के लिए लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सबकी, तेरे बच्चों की ये विनती है पिता तेरे हजूरी में कि ये गांव हंसता रहे, खेलता रहे और प्रभु तेरी आशीषों में भागीदार बनता रहे। हर एक मुसीबत इस गांव के ऊपर से हट जाए प्रभु जी, हर एक बंधन इस गांव के ऊपर से टूट जाए प्रभु जी, इस गांव में शांति आ जाए, इस गांव में प्रभु जी, इस गांव के नौजवान बच्चों को हर प्रकार के नशों से, हर प्रकार के लड़ाई झगड़ों से तू बचा के रख पिता परमेश्वर। इस गांव के बुजुर्गों को अकल से, बुद्धि से, ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी प्रभु जी अपने बच्चों को तेरी महिमा सिखाए। पिता परमेश्वर, इस गांव में बड़ी सामर्थ्य आ जाए, इस गांव में शांति आ जाए, इस गांव में तरक्की आ जाए पिता परमेश्वर। तेरे बच्चे पिता परमेश्वर, इस गांव को तू बसाता है प्रभु जी और इस गांव को आशीषों से भर दे। अरे परमेश्वर पिता, ये गांव यीशु की महिमा करे, इस गांव की धरती को आशीषित कर दे पिता परमेश्वर। इस गांव के बच्चे पढ़ लिखे प्रभु जी, नेक इंसान बने और तेरे नाम को ऊंचा करे प्रभु जी, और देश विदेश में जाके प्रभु जी मानवता की सेवा करे, तेरे नाम की विड़ाई करे, सच्चाई के पक्ष में खड़े हो जाए प्रभु जी। इस गांव को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, इस गांव को ऊंचा उठा, इस गांव को ऊंचा उठा। हम सब लोग मिलके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इस गांव को आशीष देते हैं, इस गांव को आशीष देते हैं प्रभु, इस गांव को आशीष देते हैं प्रभु, इस गांव के गणमान्य लोगों को, मौजूदा लोगों को हम आशीष देते हैं, हर एक कुल को आशीष देते हैं, हर एक घराने को आशीष देते हैं, हर एक जन को आशीष देते हैं। इस गांव से गरीबी चली जाए, इस गांव में आशीष आ जाए, बीमारियां चली जाए, खुशहाली आ जाए पिता, और प्रभु इस गांव के खेतों में भरपूरी से अनाज उग जाने के लिए आशीष देते हैं। पिताजी, इस गांव के ऊपर हर एक बुरी नजर का अधिकार पैदा हो जाए, हर एक बीमारी का अधिकार पूछ जाए, हर एक जादू टोने के बंधन इस गांव के ऊपर से बेयश रहे, और प्रभु इस गांव में शांति और हमेशा का जीवन आ जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद प्रभु दुआ सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और हमारी दिल से कामना प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर हमेशा इस गांव में आशीष और बरकत दे। हालेलुया। हमें सब अपनी आंखों को बंद करें, सब प्रार्थना के हालत में जाए। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से, उस नाम से प्रभु जो राजाओं के राजा का नाम है, जो प्रभुओं के प्रभु का नाम है, पिता आज हम आए हुए तेरे बेटे बेटियों को, हर एक जन को प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं पिता। और पिता हमारी ये प्रार्थना है कि यहाँ से कोई भी खाली ना जाए, सब तेरी आशीषों से, तेरी बरकतों से और तेरी महिमा से भर के जाए पिता। इनके दिल में यीशु का सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए लगा रहे पिता, ये हमारे दिल से प्रार्थना है। आप दया करें, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए प्रभु जी, और इस जगह में तेरे लोगों का आना हुआ, ये जगह आशीषित हो जाए पिता, ये गांव आशीषित हो जाए पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा हमेशा परमेश्वर के सब लोगों के साथ होते रहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। बाकी का समय प्रभु के लोगों के हाथ में सौंपते हैं और ये बाकी अनाउंसमेंट कर ये गया, ये भी कर, बैठ 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 कर कर पैरों के पंजे को कर कर आज राज जी यहीं पे हूं जी मैं वो भी गए बाकी इधर एक मिनट खत्म हां जी एक टांग उठा के चला से पकड़ जा चल 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 अब दूसरी उठा दूसरी उठा दूसरी उठा हां
लगातार तेल लगाओ, धीरे धीरे इनमें लहू आना शुरू हो जाएगा, लहू चलना शुरू हो जाएगा। जैसे लहू चलेगा तो ये दौड़ेंगे और बिल्कुल सीधी हो जाएगा। कंदी छिपी हुई गुस्सा की जो बार बार इस बंदी के शरीर में दर्द करती है, मैं तुझे जीतन देता हूँ। और रबा शखा रे पे रिबा शमदा लिखी रिबो शक्त रबा रे बा शमदा लिख।